हेलो गाइस, काढ़ा पी लो। वेलकम बैक टू द चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे 16th ऑफ अप्रैल 2021। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं लाइफ एक्सप्लोर 2.0। स्वागत करता हूं आपका एक नए ब्लॉग में। और आज मैं अपनी शुरुआत जो कर रहा हूं सुबह की, वो कर रहा हूं काढ़ा से, क्योंकि इम्यूनिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और कोरोना पहले से ज़्यादा खतरनाक, तो बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हैं। काढ़ा पीना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी दिन में 3 बार एटलीस्ट पीजिए, और 3 बार नहीं हो सके तो कम से कम 2 बार तो पीजिए ही पीजिए। ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखेगा और आपको छोटी मोटी बीमारियों से भी बचा के रखेगा। तो आज मॉर्निंग शेड्यूल का पूरा जो काम था वो तो फिनिश हो चुका है। क्लीनिंग हो चुकी है प्रॉपर, और ऊपर की भी पूरी सफाई आज मैंने कर दी है। ओए ओए शैतान, ओए क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो भाई? काढ़ा पियोगे? ये लो पियो। टेस्ट करना है क्या? रुक जा, देता हूँ तुम्हें। लो लो, टेस्ट करो, टेस्ट करो। अरे इम्यूनिटी बढ़ेगी तुम्हारी, पी लो भाई। नहीं पीना है? अच्छी चीज़ नहीं पीनी है तुम्हें, सिर्फ धनिया ही खानी है तुम्हें। क्यों, इधर तो देखो। हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। देखो, एक कान पूरा इधर मोड़ लिया है, सारी बातें सुनता ही है, सारी बातें सुनता है ना। चलो जा रहा हूँ भैया मैं तो। अब इनके लिए ले आता हूँ खाना, क्योंकि खाना नहीं देंगे घर जो, तो थोड़ी देर के बाद ही क्या करेगा, छोटा सा पाइप का टुकड़ा पड़ा हुआ है वहाँ पे, उसको मुंह में दबाता है और फिर पटकता है, तो उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, फिर ऐसे सबको इरिटेट करेगा ये। तो पहले सुखा ला के देते हैं। लो भाई चीकू, ये ब्रेकफास्ट मिल गया, ब्रेकफास्ट मिल गया सुबह सुबह। अरे वाह, देखो तो, अरे वाह कितने मजे से खाता है धनिया। आजकल शैतान हो गया है तो पालक नहीं खाता है, पालक कम खाता है, घास भी खाना बंद कर दिया, सिर्फ धनिया और गाजर पे जी रहा है ये बंदा। बहुत नखरे हो गए तुम्हारे अब, है ना? खा लो, खा लो। आज ब्रेकफास्ट में मिला है चाय और रखे हैं टोस्ट, और इसके साथ में रखी हुई है लैया, बहुत जगह इसको ममरा भी बोलते हैं, मुरमुरे भी बोलते हैं। तो आई जस्ट टेक शावर, और अभी फिर मैंने बाराबंकी DM का ट्वीट पढ़ा, 1600 पेशेंट स्पॉट हो चुके हैं, 1700 पेशेंट के आसपास हो चुके हैं अभी तक की। कोविड बहुत ज़ोर से बढ़ रहा है शहर के अंदर, एंड आई एम वेरी टेंस्ड अबाउट इट। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ तक जाने वाला है। इवन आसपास के लोग जो भी हैं वो भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा टेंशन हो रहा है मुझे, क्योंकि आप किस हद तक खुद को सेफ रख सकते हो, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो टच में आ ही रहा है। तो पूरी सेफ्टी के बावजूद भी टेंशन का माहौल है। सेफ्टी कितनी भी रखो पर डर तो डर है, वो तो लगा रहेगा। एंड थोड़ी तबीयत भी ख़राब लग रही है, नॉट फीलिंग सो वेल, एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा है, थोड़ा बैक पेन भी हो रहा है मुझे आज। तो लंच है रेडी, दाल चावल सब्जी और बहुत सारा सैलेड, जिसमें ककड़ी और गाजर। तो भैया हमारा लंच हो गया, अब हमारे चीकू जी का भी लंच हो रहा है। देखिए कितने मज़े से खा रहा है, इसका मुंह देखो ज़रा सा पहले। अरे रे, ऐसा लग रहा है बोल पड़ेगा अभी ये कुछ, अगर जी ये बोल देना तो मज़ा ही आ जाए ना कसम से, बहुत मज़ा आएगा जी ये बोलने लगे तो, है ना चीकू? हेलो हेलो। बाहर जिस तरह का माहौल चल रहा है आजकल कोविड के टाइम पे, हर तरफ से लगभग नेगेटिव न्यूज़ ही मिल रही हैं, लेकिन इनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं और लोगों को पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं चाहता हूँ आप भी वो वीडियो देखिए। ऐसे जाँच पड़तालों से, बायोकेमिस्ट्री लैब से, पैथोलॉजी लैब से, रेडियो डायग्नोस्टिक लैब से पहले ये पकड़ना होगा कि ये वायरस कौन से ऑर्गन को अभी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, उसको करेक्ट करना होगा। उसके साथ में ये देखना होगा कि कहीं वो कैटेगरी तो नहीं बढ़ाता जा रहा है। अर्ली ऑक्सीजन देना पड़ेगा, अर्ली लोगों को आइडेंटिफिकेशन, दूर आंगनवाड़ी वर्कर, दूर आशा कार्यकर्ता, दूर दूर के बैठे छोटे नेताओं को ये बताना होगा कि जितनी जल्द
आप इस वायरस को पकड़ लेंगे। जितनी जल्द आपको सर्दी खांसी बुखार है और आप बिस्तर पे आराम कर लेंगे, अच्छा 4-5 लीटर पानी पी लेंगे, विटामिन सी ले लेंगे संतरे के हिसाब से, जिंक ले लेंगे एक अंडे से, अच्छा प्रोटीन ले लेंगे दूध अंडे और दाल से, और 4 कप चाय पी के सोडियम पोटेशियम ले लेंगे, और एकाध सेमफल और फ्रूट खा के वाइटमिन ए ले लेंगे, 1 गिलास दूध सुबह शाम पी के अगर आपने वाइटमिन ए और कैल्शियम सप्लीमेंट्स कर लिए, और अगर आपने ये पूरा मिनरल्स ले लिया, और अगर आपने पूरे प्रोटीन्स ले लिए जिसका ब्रेकडाउन होता है इस कोरोना से, कोरोना आपको नहीं हरा सकता। कोरोना नहीं हरा सकता, आपको बिस्तर पे आराम करने की ज़रूरत है, बेड रेस्ट, आपको हाइड्रेशन थेरेपी की ज़रूरत है, आपको विश्वास की ज़रूरत है कि मैं जीतूँगा। ये जो साइकेट्रिकली आदमी परेशान हो जाता है और इतने हार्मोन सिक्रीट करता है और हार्ट की धड़कन बढ़ा लेता है और BMR बढ़ा लेता है, इस बहाने से अपनी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ा लेता है, ये कम करना होगा, बिस्तर पे आराम करना होगा, अपना BMR कम कर लो, अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इतनी कम कर लो कि कोरोना क्या कर लेगा आपका। कोरोना इज क्यूरेबल। देखिए कितनी अच्छी बात कही उन्होंने और कितना मोटिवेट कर दिया है अपनी बातों से लोगों को। मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर जो आप घबराएंगे तो आपकी सिचुएशन जो है वो और बिगड़ेगी, इसलिए काम रहना है, खुद को शांत रखना है, और अगर आपने खुद को शांत रख लिया तो आप आधी जंग जो है वो तो वैसे ही जीत जाएंगे। जी आराम से मौज कर रहे हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है, एकदम रिलैक्स होके ये देखो देखो मस्त खा पी लो और टेढ़े रहो दिन भर, है ना। सही है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और भूख लग रही थी तो अब सोचा कि नाश्ता किया जाए। फिलहाल बैठा हुआ हूँ, टीवी देख रहा हूँ। अंजलि कहाँ है भाई, नाश्ता मेरा लाओ जल्दी। ये लीजिए आपके इवनिंग का नाश्ता, गर्मा गर्म हलवा। अरे वाह, हलवा किस खुशी में। अरे वो सब तो मीठा खाने का मन था, वो थोड़ा मेरा भी मीठा खाने का मन था, इसलिए बना लिया। चलो अच्छा ठीक है, टेस्टी बना। ठीक है ठीक है। तो भैया अब निकल चुके हैं मार्केट के लिए और कुछ दवा लेनी थी बहुत ज़रूरी, तो निकलना पड़ा, क्या करें, मजबूरी तो है। क्या बना है खाने में आज, बताओ भाई। चिकू भैया अभी कुछ नहीं बना है, अभी खाने का इंतजाम हो रहा है केवल। अरे अरे तो फिर क्या करें चिकू भैया, चले वापस। चिकू को क्या खाना है, क्या खाना है बोलो बोलो, क्या खाना, छोड़ दे तुमको यहाँ। ए इसको किचन छोड़ दे, वो कैसे देख रहा है किचन में, वो टमाटर वाला इसको देख रहा है। हेलो, ये चीकू को गाजर की फीलिंग दिला रहे होंगे। अरे वाह, चले चल चल घूमने तो नहीं चलते, चल चल। कहाँ जा रहे हो? जा रहे हो ऊपर, जा रहा वाला चीकू भी टमाटर को नजर लगा के, कहाँ जा रहे हो चीकू प्यारा प्यारा बच्चा, चले चले चिकू चले चल चिपक के कहते चिपका हुआ है दोस्तों। आज जो है मैं इनको सिखा रहा हूँ मटर मखानी बनाना। हाँ ये इसमें क्रीम डाल दी, तो हम आपको सारे इंग्रेडिएंट्स स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं अभी। ये देखिए बस ये यहीं पर टैलेंट कम है, यहीं पर तो गड़बड़ है आराम से। और ये हमारे पीछे एक नए स्टूडेंट आए, ये बैक बेंचर है, इनका काम आपके क्लास में या हमारी कुकिंग क्लासेस में आते हैं, पापड़ खाते हैं और चले जाते हैं वापस, इनका कोई काम नहीं है। और देखो इस घर में सबसे ज्यादा सच दीदी बोलती, तो दीदी बताइए कौन बना रहा है? आप बना रही हैं। मास्टर शेफ जो होते हैं, एक्सक्यूज मी, मास्टर शेफ जो होते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, खुद नहीं बनाने लगते हैं, उनके नीचे असिस्टेंट शेफ होते हैं। हम आपको सिखा रहे हैं, हम खुद बना रहे हैं, होटल खाना कैसे बनाएंगे, तो हम आपको बता रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम से आप सीख लीजिए। हाँ बिल्कुल रेडी हो गया ये एकदम। इसमें क्या करें, करना कुछ नहीं है, हर बार कुछ करना थोड़ी ना होता है। अब सारा इंग्रेडिएंट बढ़ चुका है इसके अंदर, मतलब सारा मसाला रेडी है। अब इसके अंदर डालिए, अब डालिए ये मटर डालिए, मटर मटर डालेंगे फिर मखानी डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो है मैं अपने हाथों से मिक्स करूंगा, तो हमारे मेरे हाथों का स्वाद आ जाएगा उसमें,
फिर ये बनेगी परफेक्ट मटर मखानी। दीदी पापड़ ही खा रही हैं आजकल रोज, है ना? जब तुम्हारा मन होता है तुम चार पापड़ रख लेती हो और यही खा लेती हो, है ना? भून जलवे हैं भाई। तो फाइनली मेरे हाथों का स्वाद मिल चुका है और मटर मखानी रेडी हो चुकी है। हो गई रेडी? हाँ बताइए कैसा लगा अब आपको सीख के मटर मखानी बनाना? बहुत अच्छा लगा। मज़ा आ गया? हाँ मज़ा तो आ गया। आज की क्लासेस में थैंक यू बोलो फिर भाई। थैंक यू आपको मुझे बोलना चाहिए है ना? थैंक यू बोलो जल्दी से। मैंने तो मटर मखानी ठीक है मैंने थैंक यू बोल दिया। थैंक यू सो मच। बाय जल्दी मैं खाना खाने आऊँगा। ये कुली नंबर वन मूवी जो है ये मेरी फेवरेट मूवी, बड़ा मज़ा आता है इसको देख के। ये रात में देखो मेरा क्यूट मॉन्स्टर, इसकी आंखें देखना जरा सा, एकदम मॉन्स्टर बन जाता है ये। हे डरावनी आंखें है ना, रेड रेड। ये इनका रात भर का खाना, काम ख़त्म। सो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।